दक्षिण कश्मीर में पुलवामा जिले में सुरक्षा बलों ने मुठभेड़ के दौरान जैश ए मोहम्मद के दो आतंकियों को मार गिराया है। दक्षिण कश्मीर के पुलवामा जिले में सुरक्षा बलों ने मुठभेड़ के दौरान जैश ए मोहम्मद के दो आतंकियों को मार गिराया। न्यूज एजेंसी के सूत्रों के मुताबिक इनमें से एक आतंकी मुदस्सिर अहमद खान उर्फ मोहम्मद बाई है। सोमवार को मुदस्सिर के परिवार ने उसके शव की पहचान की। दूसरे आतंकी की शिनाख्त के लिए उसका डीएनए सैंपल लिया गया है। इससे पहले रविवार को पुलवामा हमले की जांच कर रहे अधिकारियों ने बताया था कि मुदस्सिर 14 फरवरी को सीआरपीएफ के काफिले पर हुए फिदाहिन हमले का मास्टरमाइंड था। उसी ने हमले के लिए गाड़ी और विस्फोटक जुटाया था। इस हमले में 40 जवान शहीद हो गए थे। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि पिंगलिश इलाके में आतंकियों के छिपे होने की सूचना के बाद सुरक्षा बलों ने रविवार को तलाशी अभियान शुरू किया था। इसी दौरान एक घर में छिपे आतंकियों ने जवानों पर फायरिंग की। सुरक्षा बलों ने देर रात घर को विस्फोटक कर उड़ा दिया। सोमवार सुबह दोनों आतंकियों के शव मिले। उनके पास से भारी मात्रा में गोला बारूद भी बरामद हुआ था।